जयवंत। 40 और 50 के दशक के बॉलीवुड की एक ऐसी सुपरस्टार जिसने समाज से लड़कर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी। जिस दौर में फिल्में तुच्छ लोगों का काम समझी जाती थी, उस दौर में नलिनी जयवंत ने न केवल दौलत और शोहरत बटोरी बल्कि इज्जत भी खूब कमाई थी। किस्सा टीवी पर पेश है अपने जमाने की बेहद खूबसूरत और बेहद दमदार अदाकारा नलिनी जयवंत की कहानी। नलिनी जयवंत का फिल्मों में आना और फिर आखिरी वक्त में उनकी मौत पर तमाम तरह की कहानियां बनना, इन सभी बातों पर आज किस्सा टीवी बात करेगा। नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई के गिरगांव में एक पारंपरिक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता एक कस्टम ऑफिसर थे और फिल्मों में काम करने वाले लोगों से उन्हें सख्त नफरत थी। नलिनी उनकी तीसरी संतान थी। नलिनी के अलावा उनके दो बेटे भी थे। नलिनी को बचपन से ही डांस का बेहद शौक था और उनके शौक को उनके पिता ने सपोर्ट भी किया। नलिनी को एक बढ़िया कथक टीचर से कथक की ट्रेनिंग दिलाई गई। साथ ही साथ नलिनी ने हीराबाई जवेरी से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग मिली। जिस जगह नलिनी का घर था वहां पास में ही इंपीरियल, ड्रीमलैंड और स्वास्तिक नाम के सिनेमा हॉल मौजूद थे और कई दफा नलिनी को इन सिनेमा हॉल्स में फिल्में देखने का मौका भी मिला था। फिल्मों के प्रति उनमें एक गजब का आकर्षण था। हालांकि तब तक उन्होंने दूर दूर तक ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर वो फिल्मों का एक बहुत बड़ा नाम बनेंगी और ना ही उनमें ऐसा सोचने की हिम्मत भी थी। उन्हें पता था कि उनके पिता फिल्मों में काम करने के कितने ज़्यादा खिलाफ थे। उस दौर की दिग्गज अभिनेत्री शोभना समर्थ नलिनी की सगी बुआ की लड़की थी, लेकिन नलिनी के पिता अपनी सगी भांजी शोभना समर्थ को भी बेहद नापसंद करते थे। मगर किस्मत का लिखा कोई भला कैसे मिटा सकता है। नलिनी का जन्म ही फिल्मों में काम करने के लिए हुआ था। फिर उनके पिता फिल्मों के कितने भी खिलाफ थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नलिनी की किस्मत आखिरकार उन्हें फिल्मों की तरफ ले ही गई। उस वक्त नलिनी महज 14 साल की थी जब अपनी बुआ की लड़की शोभना समर्थ की बड़ी बेटी नूतन की जन्मदिन पार्टी में शरीक हुई थी। यही वो जगह थी जहां नलिनी पर चिमनलाल देसाई की नजरें पड़ी थीं। चिमनलाल देसाई उस दौर के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे। चिमनलाल उस वक्त अपनी अगली फिल्म राधिका की तैयारियों में जुटे थे। चिमनलाल ने जब नलिनी को देखा तो उन्होंने फैसला कर लिया कि इस लड़की को अपनी फिल्म राधिका में लीड एक्ट्रेस के तौर पर लेंगे। चिमनलाल ने जब नलिनी को फिल्मों में लेने की बात उनके पिता को बताई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चिमनलाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नलिनी के पिता को खूब समझाया कि अब वक्त बदल चुका है और उनकी बेटी से कोई भी गलत काम नहीं कराया जा रहा है। चिमनलाल के सामने आखिरकार नलिनी के पिता को झुकना पड़ा। इस तरह 1941 में रिलीज हुई चिमनलाल की फिल्म राधिका से नलिनी जयवंत का फिल्मी करियर शुरू हो गया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे चिमनलाल के बेटे वीरेंद्र देसाई। फिल्म में नलिनी के हीरो थे हरीश, जो आगे चलकर एक्टिंग छोड़ फिल्म डायरेक्टर बन गए और अपना नाम हरीश से बदलकर तारा हरीश कर लिया। पहली फिल्म राधिका में नलिनी ने केवल एक्टिंग ही नहीं की थी, इस फिल्म में उन्होंने कुछ गाने भी गाए थे। इनमें से 3 गाने सोलो थे और 4 गाने ड्यूएट्स थे, जिनमें उन्होंने हरीश, नूरजहां और मारुति राव के साथ अपनी आवाज दी थी। अपनी दूसरी फिल्म बहन में नलिनी ने 4 गीत गाए थे।
आँख मिचौली में सात और निर्दोष में छः व आदाब अर्ज है में नलिनी ने चार गीतों को अपनी आवाज़ दी थी। इन सभी फिल्मों में नलिनी ने एक्टिंग भी की थी। इन फिल्मों में काम करने के दौरान ही नलिनी का अफेयर चिमनलाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई से शुरू हो गया, जबकि वीरेंद्र देसाई पहले से शादीशुदा थे और एक बच्चे के पिता भी थे। इन सब बातों के बावजूद साल 1945 में नलिनी ने वीरेंद्र देसाई से शादी कर ली। ये जानते हुए भी कि वीरेंद्र देसाई न केवल शादीशुदा हैं और एक बच्चे के पिता हैं, बल्कि उम्र में भी उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। इस शादी का नतीजा ये हुआ कि नलिनी के माता पिता तो उनसे खफा हुए ही, चिमनलाल देसाई ने भी अपने बेटे वीरेंद्र को अपने घर और अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। दूसरी तरफ नलिनी को भी नेशनल स्टूडियो और अमर पिक्चर्स छोड़ना पड़ा। वीरेंद्र देसाई और नलिनी ने आखिरकार फिल्मिस्तान स्टूडियोज़ में 2000 रुपये महीना तनख्वाह की नौकरी कर ली और वहीं पास में मलाड में किराए पर एक बंगला लेकर रहने लगे। मगर फिल्मिस्तान स्टूडियो ने लंबे वक्त तक ना तो वीरेंद्र देसाई और ना ही नलिनी जयवंत को किसी फिल्म में काम करने का मौका दिया। हालांकि स्टूडियो के मालिक शशाधर मुखर्जी इन दोनों को 2000 रुपए तनख्वाह जरूर हर महीने देते रहे। जानकार कहते हैं कि नलिनी ने फिल्मिस्तान स्टूडियो के सामने ये शर्त रख दी थी कि वो केवल उस फिल्म में ही काम करेंगी जिसे उनके पति वीरेंद्र देसाई डायरेक्ट करेंगे। इसी वजह से शशाधर मुखर्जी नलिनी से नाराज हो गए थे। लंबे वक्त तक जब नलिनी फिल्मों में नजर नहीं आई तो दर्शक उन्हें भूलने लगे। नतीजा ये हुआ कि नलिनी और वीरेंद्र के बीच भी विवाद होने लगे। भले ही ऊपर से ये दोनों बेहद खुश नजर आते थे, लेकिन हकीकत में अंदर ही अंदर दोनों ही बहुत कुंठित और परेशान थे। 3 साल बाद यानी साल 1948 में नलिनी और वीरेंद्र की शादी टूट गई। इन 3 सालों में नलिनी ने केवल एक ही फिल्म की थी जिसका नाम था फिर भी अपना है, और ये फिल्म भी काफ़ी लंबे वक्त में बनकर तैयार हुई थी। लेकिन जब नलिनी ने वीरेंद्र देसाई से तलाक ले लिया तो उनका करियर अचानक फिर से रफ्तार में आ गया। इसी साल यानी साल 1948 में नलिनी की 2 फिल्में रिलीज हुई। एक थी दिलीप कुमार के साथ जिसका नाम था अनोखा प्यार, दूसरी थी त्रिलोक कपूर के साथ जिसका नाम था गुंजन। दोनों ही फिल्मों में नलिनी का काम खूब पसंद किया गया। अगले साल यानी 1949 में नलिनी नजर आई चकोरी व आंखें नाम की फिल्मों में। साल 1950 में ये दिखी हिंदुस्तान हमारा और मुकद्दर जैसी फिल्मों में। एक्टिंग के अलावा नलिनी ने इन फिल्मों में भी गाने गाए थे। हालांकि इन फिल्मों ने कोई खास कमाल नहीं किया था, लेकिन साल 1950 में फिल्मिस्तान बैनर की फिल्म समाधि ने नलिनी को एक बड़ा स्टार बना दिया। इसी साल नलिनी की एक और फिल्म आई जिसका नाम था संग्राम, जो कि बॉम्बे टॉकीज बैनर तले बनी थी। ये फिल्म भी सफल रही थी और इत्तेफाक से इन दोनों ही फिल्मों में नलिनी के हीरो दादा मुनि यानी अशोक कुमार थे। 1950 से लेकर 1960 के सालों के बीच नलिनी अपने करियर के पीक पर रही। इस दौरान उन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया। देखा जाए तो नलिनी ने अपने करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया था और इनमें से ज़्यादातर फिल्में इसी दशक में बनी थी। साल 1954 में रिलीज हुई नलिनी की फिल्म नाज पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेश में हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग काहिरा और लंदन में हुई थी। साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में नलिनी के साथ सुनील दत्त नजर आए थे और वो फिल्म सुनील दत्त की डेब्यू फिल्म थी। इससे पहले सुनील दत्त रेडियो सिलोन में बतौर अनाउंसर काम किया करते थे। साल 1955 में आई फिल्म चिंगारी में सालों बाद नलिनी ने एक गीत गाया था, लेकिन 50 के दशक के आखिरी सालों में नलिनी का जलवा कम होने लगा था। 60 के दशक में नलिनी ने केवल 5 फिल्मों में ही काम किया था। ये फिल्में थी अमर रहे प्यार, सेनापति, गर्ल्स हॉस्टल, जिंदगी और हम व बॉम्बे रेस कोर्स। इनकी फिल्म अमर रहे प्यार फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर उस दौर के एक कैरेक्टर आर्टिस्ट राधा किशन मेहरा थे।
राधा किशन मेहरा के जिगरी दोस्त थे अभिनेता प्रभु दयाल, जिन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था। प्रभु दयाल कुछ फिल्मों में एक्टिंग कर चुके थे और एक दो फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके थे। राधा किशन मेहरा ने इस फिल्म को बनाने में अपनी पाई पाई लगा दी थी, लेकिन जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो राधा किशन इतना ज़बरदस्त नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपनी बिल्डिंग की छत से कूद कर जान दे दी। नलिनी ने दूसरी शादी की थी अभिनेता प्रभु दयाल से। फिल्म मुनीम जी की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और दोनों एक दूजे को चाहने लगे। फिल्म अमर रहे प्यार की शूटिंग के दौरान इन दोनों ने शादी कर ली। फिल्म बॉम्बे रेस कोर्स के बाद नलिनी ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया और गृहस्थी संभालने लगी, जबकि उनके पति प्रभु दयाल फिल्मों में एक्टिंग और असिस्टेंट डायरेक्शन करते रहे। लगभग 18 साल बाद नलिनी जयवंत एक बार फिर से एक फिल्म में नजर आई। ये फिल्म थी साल 1983 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म नास्तिक। इस फिल्म में नलिनी अमिताभ की मां के रोल में दिखी थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि साल 1954 में आई नास्तिक नाम की फिल्म में भी नलिनी ने काम किया था। उस फिल्म में नलिनी लीड एक्ट्रेस थी, जबकि इस फिल्म में नलिनी ने मां का किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन वाली नास्तिक के बाद नलिनी ने खुद को हमेशा के लिए एक्टिंग से दूर कर लिया। नलिनी ने कहा था कि नास्तिक फिल्म उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उन्हें उनकी भूमिका जैसी सुनाई गई थी वैसा फिल्म में कुछ भी नहीं था। वो इस तरह से काम नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने खुद को फिल्मों से पूरी तरह दूर रखना ही बेहतर समझा। साल 1946 में रिलीज हुई नलिनी की फिल्म फिर भी अपना है को साल 1951 में नाम बदलकर दोबारा रिलीज किया गया था। उस वक्त फिल्म का नाम रखा गया था भाई का प्यार। अभिनेता अशोक और अभिनेता अजीत के साथ नलिनी की जोड़ी बड़ी पसंद की गई। इन दोनों ही अभिनेताओं के साथ नलिनी ने 10-10 फिल्मों में काम किया था। नलिनी की फिल्म नंदकिशोर और निर्दोष को मराठी भाषा में भी डब किया गया था। वहीं इन्होंने वारसदार नाम की एक गुजराती फिल्म में भी काम किया था, जो कि साल 1948 में रिलीज हुई थी। चूंकि छोटी उम्र से ही नलिनी ने संगीत की शिक्षा भी ली थी, तो अपने पूरे फिल्मी करियर में नलिनी ने कुल 39 गाने भी गाए थे। बात अगर नलिनी को मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो साल 1959 में उन्हें फिल्म काला पानी के लिए फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, जबकि साल 2005 में दादा साहेब फाल्के एकेडमी ने नलिनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। फिल्मों से दूर होने के बाद नलिनी अपने पति प्रभु दयाल के साथ चेंबूर स्थित एक आलीशान बंगले में रहने लगी थी, लेकिन जब साल 2001 में प्रभु दयाल की मौत हो गई तो नलिनी ने खुद को एकदम अकेला कर लिया। वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी। उनके घर पर उनकी देखभाल के लिए हमेशा 3-4 नौकर रहते थे। वहीं उनके बंगले के पास ही उनके भाई के बेटे यानी उनके भतीजे का भी घर था, जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। वहीं नलिनी का भी ध्यान रखता था। 22 दिसंबर 2010 को 84 साल की उम्र में नलिनी जयवंत की मौत हो गई। नलिनी का अंतिम संस्कार उनके भतीजे ने किया। अंतिम संस्कार के बाद के भी सभी अनुष्ठान उनके भतीजे ने ही किए, लेकिन उसने ये सभी काम नलिनी के घर से ना करके अपने घर से किए थे। इसलिए जब नलिनी की मौत की खबर फैली तो मीडिया को उनके बंगले पर ताला जड़ा मिला। इसके बाद तो मीडिया ने झूठ का ऐसा नंगा नाच शुरू किया जिसे देखकर कोई भी सदमे में आ जाए। मीडिया और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नलिनी जयवंत की मौत को बिना सच्चाई जाने ही रहस्यमयी मौत करार दे दिया, जबकि ये एक नॉर्मल मौत थी। अपनी खूबसूरती के दम पर नलिनी ने फिल्म इंडस्ट्री पर एक छोटे से अरसे के लिए राज किया था। नलिनी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। किस्सा टीवी नलिनी जयवंत को नमन करता है और फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।